गन्ना, मक्का, ज्वार, धान व सब्जियों सहित करीब एक सैकड़ा पौधों पर हमला करने वाले फॉल आर्मी वॉर्म कीड़े ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। किसानों की फसलों को यह कीड़ा मिनटों में चट कर जाता है। एक बार यह कीड़ा जहां पहुंच गया तो वहां सभी फसलों को नुकसान पहुंचा देता है। यह कीड़ा सबसे पहले ज्वार और मक्का को अपना निशाना बनाता है। जब इसे ये फसलें नहीं मिलती तब ये सब्जियों तक पहुंच जाता है। जब इसे सब्जियां भी नहीं मिलती तो फिर इस कीट का हमला पौधों व गन्ना आदि पर होता है। क्योंकि सीतापुर में किसान गन्ना व सब्जियों की खेती बहुतायत में करते हैं, ऐसे में किसानों के लिए जिले में इस कीड़े की मौजूदगी बेहद चिंताजनक है। विगत वर्षों में ये कीड़ा सीतापुर में कई फसलों को नुकसान पहुंचा भी चुका है। हालांकि इस साल अभी तक जनपद में इस कीड़े की मौजूदगी कहीं सामने नहीं आई है, लेकिन प्रदेश के अन्य जनपदों में इसकी आहट से किसान चिंतित होने लगे हैं। जिला कृषि रक्षा अधिकारी आर के यादव ने आई इंडिया को बताया कि सीतापुर में अभी ऐसा कोई प्रकरण सामने नहीं आया, फिर भी कृषि विभाग पूरी तरह से तैयार है। फसल सुरक्षा को लेकर किसानों को जागरूक किया जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र अंबरपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर वी के सिंह ने आई इंडिया को बताया कि फॉल आर्मी वार्म सैनिक कीट का हमला पूर्व में सीतापुर, मक्का आदि फसलों पर हो चुका है। किसान कीट की पहचान करने के बाद एमा मेक्टिन, बेंजोएट, कोराजन, फ्लू, वेंडा इमाइड आदि रसायनिक दवा का स्प्रे कर नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा धान की भूसी गुड़ 1:10:1 का मिश्रण कर सायंकाल पौधों के नजदीक डाल सकते हैं। गुड़ की मिठास की गंध से कीट आकर्षित होते हैं और इसे खाकर मर जाते हैं। बता दें, ये पतंगा एक बार में 50 से 200 तक अंडे खरपतवार के ऊपर सतह पर देता है। इसका लार्वा शुरुआत में हरा व बाद में भूरा हो जाता है। ये पहले पत्ती के बीच में छिद्र करता है, फिर तने का रस चूस कर खोखला कर देता है। ये कीट एक रात में 100 किलोमीटर तक भ्रमण कर सकता है। किसान साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 3-4 साल से हमारे यहाँ खास करके मक्के में एक नए कीड़े का प्रकोप होता है, जिसका अगर वो बड़े हो जा रहे हैं, सूढ़ियों की 5वीं 6वीं अवस्था आ जा रही है, तो उसका हम कोई निदान भी नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हमको ध्यान देना है। ये करता क्या है कि अगर हमारे यहाँ मक्का है तो पहले मक्का को पे प्रकोप करता है, अगर मक्का नहीं है तो ज्वार पे ये अटैक करेगा। ये दोनों फसलें नहीं हैं तो ये गन्ने पे भी जा सकता है। जो भी घास कुल की अन्य फसलें हैं, धान है, गेहूं है या नेपियर है, सब्जियां आदि पे भी इसका प्रकोप होता है। इसका वैज्ञानिक नाम स्पिरोप्टेरा फर्जीपर्डा है। इसमें आपने देखा होगा कि मक्के में खास करके शुरुआती अवस्था की सूढ़ी होगी, प्रथम अवस्था की, द्वितीय अवस्था की सूढ़ी होगी, तो आप देखेंगे कि ये पत्तियों को खुरच खुरच करके, जो पत्तियां अंदर से निकलेंगी उसमें गाले से उसमें खुरचा हुआ दिखाई पड़ेगा, खुरच के खाते हैं। अगर इस अवस्था पे हम लोग इसका निदान कर लें तो बहुत अच्छा है, अन्यथा इसके बाद जब तृतीय चतुर्थ की अवस्था की सूढ़ियाँ हो जाती हैं तो वो जगह जगह पे आपको छेद दिखाई पड़ता है, पत्तियों में छेद दिखाई पड़ेगा और इस तरह से पूरे उसको ओल्ड को वो प्रकोपित करती हैं। लास्ट में अगर इन अवस्था पे भी अगर हम ध्यान दें तो कुछ हद तक हम लोग इसको नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन अगर 5वें 6वें अवस्था की सूढ़ियाँ बन गई हैं तो वो आप देखते हैं कि पूरा गन्ने में, वो आपका मक्के में पत्तियों को एकदम काट काट के बहुत दूर दूर तक लंबा लंबा छेद बना देंगे। एकदम से बालियां हैं तो बालियों को अगर वो बाली बनना शुरू हुई है उसमें प्रकोप की अवस्था में आ जाती हैं तो बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसी अवस्था में थोड़ा सा उनका निदान हो पाना मुश्किल होता है, तो इसलिए हम लोगों को आवश्यक है कि इसकी हम ध्यान देते रहें, पहचान करें। सबसे अच्छा तरीका है कि आपको देखेंगे इसकी जो सूढ़ी होगी उस पर उल्टा वाई के आकार का निशान बना होगा, ये सबसे बड़ी पहचान ये होती है। ऐसी सूढ़ियाँ अगर दिखाई पड़ती हैं या आप प्रकोप का लक्षण दिखाई पड़े तो उन पे
हमको ध्यान देने की ज़रूरत है कि तत्काल ही हम उसका क्या करें, जो भी तरीका है। तो एक तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमको गर्मी वाली गहरी जुताई करनी चाहिए। अगर गर्मी की गहरी जुताई हम लोग करते हैं तो जो इसकी सूढ़ियाँ आदि इत्यादि छुपी हुई हैं वो धूप से नष्ट हो जाती हैं, या कोई चिड़िया उड़िया आदि खा जाती है, तो इस तरह से इनका नियंत्रण खाली समय में जब खेत होता है उस समय हो जाता है। और अगर कोई जीरो टिल मेथड से लोग जहाँ पे खेती करते हैं बहुत ज़्यादा वो नहीं करते, तो वहाँ नीम के केक की का प्रयोग भी हम लोग कर सकते हैं। 500 केजी पर हेक्टेयर की दर से 12.5 बीघे में इस दर से अगर करते हैं तब भी काफ़ी हद तक इनका शुरुआती दौर में ही नियंत्रण हो सकता है। ये भी देखना चाहिए हमको, अगर हम मक्के की जो बुआई कर रहे हैं, अगर अकेली फसल बोते हैं जिसको आप निस्ता बोलते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो वहाँ पे प्रकोप की ज़्यादा संभावना होती है। तो अगर इसके साथ दलहनी फसल भी हम ले लें, जैसे अरहर की खेती करते हैं, तब भी इसके इसमें हमको काफ़ी मदद मिलती है। चाहे उड़द का ले लें, चाहे मूंग का ले लें, नहीं तो अरहर का ले लें, तो इससे ज़्यादा अच्छा रहता है। समय, बुआई का समय और पौध रोपने का तरीका भी, जो बुआई का है उसके भी काफ़ी हद तक इसको हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। बीज शोधन अवश्य करना चाहिए। बीज शोधन अगर कर दें, वैसे तो कोई इसके लिए ज़्यादा वो संस्तुति नहीं है, लेकिन अगर हम लोग बीज शोधन भी थायमेथोग्जाम और इसका साइंट्रा प्रेनली प्रोल का आता है कम्बिनेशन, अगर वो हम लोग यूज कर लें 4 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से, उससे शोधित कर लें, तो भी शुरुआती दौर में जो नर्सरी की अवस्था में हमारा मक्का है उसमें प्रकोप होने से बच जाता है। और शुरू में यदि इसका प्रकोप दिखाई पड़ता है तो हम लोगों को ये करना चाहिए कि चाहे नीम का सत है या नीम आधारित कोई भी कीटनाशक है, उसको आप ले लें और 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल करके अच्छे से छिड़काव कर दें। ऐसे छिड़काव करें जिससे गाले में ज़रूर जाए, ओरल में ज़रूर चला जाए, तो भी इसका नियंत्रण हम लोग कर सकते हैं। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।